बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बेसन का सालन बनाएंगे जिसको हम बेसन के अल्टे पल्टे कहते हैं। अल्टे पल्टे भी कहा जाता है इसको और बेसन के चीले भी कहा जाता है इसको। इसके लिए हमने दही लिया है 1 पाव, ये ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी है, इसको हमने सबसे लास्ट में डालना होगा जब हमारा सालन रेडी हो जाएगा। हमने 2 लार्ज साइज़ की प्याज है उनको ब्राउन कर लिया है, आपने उसको लाइट ब्राउन करना है, और हमने इसको ये जो प्याज हमने ब्राउन की है इस दही के साथ पीस लेना है। और इसके बाद इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे, 1 1.5 टीस्पून है नमक, 2 टीस्पून है धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून है हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, और जो नॉर्मल हम मिर्चें यूज़ करते हैं 2 टेबल स्पून है वो लाल मिर्च। तो अगर आपको मिर्च की क्वांटिटी कम करनी है तो आप कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको तमाम अज्जा बताए हैं ये हैं जो हम सालन का जो हम शोरबा ग्रेवी जिसको हम कहते हैं शोरबा रेडी करेंगे, और शोरबे को हम जो रेडी करेंगे उसके लिए ये तमाम अज्जा मैंने आपको बताए हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी जो हमने बेसन के अल्टे पलटे या चीले बनाने हैं उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने 1 कप ऑयल लिया था और इस ऑयल के अंदर हमने प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया था, और अब इसी ऑयल के अंदर हमने 1 टीस्पून डालना है ज़ीरा। और जैसे ही ज़ीरे का कलर चेंज हुआ हमने ये देखें पीस लिया दही के साथ प्याज को। अगर हम प्याज को इस तरह पीस लेंगे तो जो इसका शोरबा तैयार कर रहे हैं वो बहुत अच्छा सा तैयार होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून, तमाम वो स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे, नमक, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, और अब करनी है इसकी भुनाई। मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। अभी हम इसको भूनना शुरू हो चुके हैं। हम एक तरफ इसको मसाले को भून कर इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि शोरबा जो है वो पकना शुरू हो, वो रेडी हो। साथ साथ हम जो है वो चीले बनाना स्टार्ट करेंगे। दोनों काम एक साथ स्टार्ट कर लेंगे तो जल्दी से सालन रेडी हो जाएगा। अच्छा, आप इस सालन को जो ये बेसन के अल्टे पलटे या चीले हम बना रहे हैं इसमें आप टमाटर यूज़ ना करें, क्योंकि टमाटर से इसका फ्लेवर वो नहीं आएगा जो दही से आता है। और बेसन की जितनी भी चीज़ हम बनाते हैं, जो भी सालन हम तैयार करते हैं, उसके अंदर हम दही का यूज़ करते हैं, दही से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा, और ये सालन बहुत टेस्टी बनता है। सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, बड़ा मज़े का लगेगा। मसाले को हम भून रहे हैं, अभी इसके अंदर इसको मज़ीद थोड़ा और भूनना है, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अभी थोड़ी देर के अंदर ही उछल कूद शुरू कर देगा, तो अभी इसको मज़ीद और टाइम लगेगा, अभी ये भुना नहीं है। मसाला आपने अच्छे से भूनना है, और इसके बाद इसके अंदर पानी डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। शोरबा में थोड़ा सा ज़्यादा रखना होगा इसलिए कि जो कतले हैं जो हम डालेंगे इसके अंदर बेसन के अल्टे पलटे या चीले, वो भी जो है अपने अंदर पानी लेंगे, जस्ट करेंगे, तो हमें थोड़ा सा जो पानी है उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा रखना होगा। मसाले को अभी हम भून रहे हैं, जब ये अच्छे से भून जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे पानी और इसको रख देंगे पकने के लिए। और इसके अंदर हम डाल देंगे चंद साबुत हरी मिर्चें। मसाला अच्छे से भून गया है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये कितना उछल कूद कर रहा है। अब हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। अब डालेंगे हम इसके अंदर पानी और साथ ही हमने इसके अंदर साबुत हरी मिर्ची डालनी है। पानी अभी हम मज़ीद और डालेंगे। ये मैंने अभी 2 मग डाल दिया है। मग का साइज़ आपने देखा है कि किस साइज़ का है। हमने डाल दिया इसके अंदर 3 मग पानी।
अब इसको हम एक साइड पर रखते हैं ताकि ये शोरबा रेडी हो। अब साथ ही हम तैयार करते हैं बेसन के अल्टे पलटे, या जिसको आप चीले कह लें। इसके लिए हमने लिया है बेसन, यह है 250 ग्राम यानी कि एक पाव। पानी है इसके अंदर हसबे ज़रूरत जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगी। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा और बहुत ज़्यादा जो है ना वो पतला भी नहीं होगा। हमने चंद हरी मिर्च लिए, इनको चॉप कर लिया है। हरा धनिया है 3 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून है गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाल दी, साथ ही वो स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं। और अभी हम पानी डाल रहे हैं इसके अंदर। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको आपने हाथ से ही घोलना है, आप स्पून से भी कर सकते हैं। मैं जो है मुझे हाथ से ही सही लगता है, हैंड वॉश किए हैं मैं। और इसके बाद इसको हमने पानी डालकर घोल रहे हैं इसको। ये इसका फिर बहुत अच्छा सा बेटर रेडी हो जाएगा। ये 1 मग पूरा पानी का इसके अंदर जा चुका है। इसके बाद मैंने 1/2 कप मज़ीद लेकर रखा था, उसमें से थोड़ा सा मैंने और डाला है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी मज़ीद और जाएगा। बहुत ज़्यादा थिक इसका बैटर नहीं बनाते हैं, वरना जो हम इसके चीले तैयार करेंगे वो बहुत मोटे मोटे से होंगे। बेसन जो हम ये बेटर बना रहे हैं, ये देखें आप, ऐसा रखना है। इसको हमने तैयार कर लिया है, अब हम इसके बनाते हैं अल्टे पलटे। ये हमने तवे को हल्का सा ग्रीस कर लिया है ऑयल से। और उसके ऊपर हमने ये डाला, ये डालने के बाद हमने इसको फैलाना है। अच्छा, मुझे प्रैक्टिस हाथ से ही है, आप किसी भी स्पून की मदद से इसको कर सकते हैं। चीला बनाना है जैसे आपको आसान लगे, आप नॉन स्टिक पैन में बनाएं। मैंने तवे पर बनाया है, मुझे इस पर इजी लगता है तो मैंने इस पर बनाया है। ये देखें इसको, इसके बाद और इसी स्पून की मुझे आदत है, मैं हमेशा इसी से बनाती हूँ। एक बड़ी सी रोटी आपने बना ली है और ये बहुत ना तो मोटी होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए कि हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। अब हमने इसके साइडों पर कुकिंग ऑयल या घी कुछ भी आप डाल लें, ये इस तरह से साइडों पर आप डाल लें। इसके बाद ये जो रोटी है ये किनारे छोड़ देगी, तो इजीली आप इसको पलट सकते हैं। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, फुल नहीं रखना है वरना ही जल जाएगा। इसके बाद ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से ये हमने इसको पलट लिया। आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा साइडों पर घी डालना है।
और अब इस टाइम आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। शुरू में मैंने फ्लेम को मीडियम रखा था, अब आपने फ्लेम को स्लो कर देना है। आप जिसमें भी आप फ्राई पैन में बना रहे हैं, नॉन स्टिक में बना रहे हैं, तवे पर बना रहे हैं, आपने सबसे पहले तवे को ग्रीस करना है। और जब ये बेटर डाल देंगे, इस तरह से फैलाने के बाद आपने साइडों पर कुकिंग ऑयल डालना है, ताकि वो जो रोटी है किनारे साइड अपने छोड़ दे, ताकि ईजिली आप उसको जो है ना पलट सकें। अब हमने ये देखें इसकी फोल्डिंग का काम किया, ये इस तरीके से ये हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम जो इसकी इसकी बोलूँ सॉरी फ्लेम है, फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है। स्लो से फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और ये हमने इसको फोल्ड करके इसको अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखें आप कितने अच्छे से ये बन गया है। इस तरह से दबा दबा के आपने इसको पकाना है, ताकि कच्चा ना रहे और अच्छा सा ये पक जाए। ये रेडी हो जाएगा, इसको उतार लेंगे। इसी तरीके से हमने बाकी, ये देखिए रेडी हो गया, उतार लिया हमने। अब हमने इसी तरीके से बाकी तैयार करने हैं। शोरबा बिल्कुल रेडी हो गया, तो हमने इसके अंदर डाल देनी है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। और जिस टाइम हमने इसके अंदर बेसन के पलटे डालने हैं, तो शोरबे को इस तरह से फुल गर्म होना चाहिए। देखें आप देख रहे हैं ना कि इसके अंदर जोश आ रहा है। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद हमने इसके अंदर डालना है पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ टी स्पून हमने डाला पिसा हुआ गरम मसाला, ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम कर देंगे, ये देखें ये इसके अंदर इस तरह से, ये इसको इतना गर्म होना है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं। शोरबा हमें गरम रखना है, और ये देखें आप, ये देखें कि इसको हमने कितना मोटा रखना है। ये देखें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ये एक पाव में इस तरह से ये 6 चीले बने थे, और इनको हमने ठंडा करके फिर इसकी कटिंग की है, और ठंडा करके डालना है। ये देखें अब हम डाल देंगे इसको इसके अंदर, ये एक पाव में 6 चीले बने हैं। ये तमाम हमने पीसीज हमने इसके अंदर डाल देने हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो इसका शोरबा है, इसको हमने फुल गर्म रखना है, और जो हमने ये कतले डालने हैं, ये ठंडे होने चाहिए। पकाने के बाद आप थोड़ी देर इसको हवा में रख दें, पंखे के नीचे रख दें, ठंडे हो जाएंगे। ये तमाम पीसीज इसके अंदर डाल दिए, इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के बाद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने शोरबे के अंदर पीसेस को डालकर, मैंने आपसे कहा था ना इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें, वो मैंने इसलिए कहा था कि जो ये पीसेस हैं, जब हम इसको डालेंगे शोरबे के अंदर, तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और उसके बाद खाने में ये टेस्टी भी लगेंगे आपको। क्योंकि जैसे ही हम इसको डालेंगे पीसेस को सालन के अंदर, तो उस टाइम ये थोड़ा हार्ड होंगे, जब हम इसको थोड़ी टाइम के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद ये पीसेस सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये सालन खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म चपाती बनाएं और उसके साथ आप इसको खाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस सालन को साथ ही आप अपनी बहुत सारी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।